गुड़िया रोटी बनानी भी आती है, दिखाओ। मेरी जान को भी आती है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यार ये बिस्तर में क्यों लेटी हुई है। तो नमस्ते, शश्रीयकाल, वड़कम, आदाब, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग हिंदुस्तान। आपकी ज्योति आपका स्वागत करती है आज के न्यू ब्लॉग पे। आई होप आप लोगों के बढ़िया, मस्त और स्वस्थ। और आपकी ज्योति आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही है शाम के 5:30 बजे से। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो हो चुकी है आप लोगों के साथ बात करके। तो मैं अभी जा रही हूँ मोनिका दी के वहाँ, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है करवा चौथ से ही। मतलब करवा चौथ जिस दिन था ना, उसी दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत सफ़र हो गया था। तो मैं सोची मैं उनके वहाँ जाऊँ कि थोड़ी तबीयतें पूछूँ। और थोड़ा सा क्या होता है ना, जब कोई बीमार होता है उसके साथ बात करने वाला कोई मिल जाए ना, तो थोड़ा बहुत उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और उसका थोड़ा मतलब क्या होता है, दिमाग इधर उधर हो जाता है। नहीं तो अकेले होता ना तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब, मतलब मेरा खुद का ऐसा मानना है। तो मैं जाती हूँ। ओके, देखो क्रॉलिंग करने लग गई है ये। आ जाओ, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ये मैंने कर दिखाया विवान, देखो इसने कर दिखाया ना, कर दिखाया ना। ये देखो कैसे देख रही है, ये किसको देख रही है, विभू भाई जी को देख रही, मोनिका दी को भी देखो। कोई मोनिका दी की हालत हुई है खराब, और हम मोनिका दी का मूड सही करने के लिए हम सब दोस्त आए हैं। देखो निशु हो गया, पर किसी किसी का आना बेकार होता है, जैसे कि रूपा का। इसको बस अपने फोन से मतलब है और इसके फुल एंजॉय कर रही है आलू भुर्जी। और मेरी जान भी यहीं आए, वही बोले मोनिका दी को मैं भी एंटरटेन करूंगा। और पीहू आई है, पीहू को बहुत, पीहू ने दुद्दू दुद्दू निकाल दिया बाहर, जुज्जू जुज्जू। भैया आ गए मोनिका दी के लिए खाना लेके। भैया आपको रोटी बनानी भी आती है, दिखाओ। मेरी जान को भी आती है। देखो मोनिका दी कितनी खुश नसीब है, देखो भैया ने इतने अच्छे से खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मेरी जान को नहीं आती। आप कुछ कहना चाहती हो? नहीं, आपकी जान को आती है रोटी बनानी? नहीं आती है। मेरी जान को सब कुछ आती है, ओके, रोटी से लेके और क्या बोलो, कुछ नहीं। तारीफ करूं उनका, तारीफ भी कम है, तारीफ ही नहीं है, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। मेरे डैडू को कुछ नहीं आता। और अब निशु की बारी, निशु आपकी जान को कितना आता है? मेरे जान तो पानी भी गर्म ना करे, ये भी एक टैलेंट है। पानी भी हर किसी को गर्म करना आता है, पर किसी को नहीं आए वो भी एक टैलेंट है। तो इसका मतलब बोरा भैया बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बोरा भैया बहुत ज्यादा टैलेंटेड है यार, जिसको कुछ ना करना है वो भी एक टैलेंट होता है ना। बस मोनिका दी का देखो एक्सप्रेशन, बीमार लोग का ऐसा एक्सप्रेशन होता है खाना खाते वक्त, आप भी देख लीजिए मोनिका दी। वाह मोनिका दी, आपके हाथ की मेहंदी और चमक रही है, दिखाओ। वो आपका फेस भी चमक रहा है। मेहंदी लगा के रखना, खाते रहना, तभी सही हो जाओगे। और ये बेचारी बोर हो चुकी है हम औरतों के बीच में। बेटा आपको भी बड़ों की औरत ही बनना है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ ऊपर, आज मैं बना रही हूँ मोनिका दी के लिए मैक्रोनी या पास्ता, क्योंकि उनका बहुत मन हो रहा है। तो ना ऐसा होता है जब हम बीमार होते हैं ना, हमारा चटपटा खाने का मन होता है। तो अब घर का अगर कुछ अच्छा मिल जाए, तो मुझे पता है कि पास्ता अनहेल्दी है, बट मेरे पास आटा वाला पास्ता है। और बीमार इंसान को अगर उसके मनपसंद खाना मिलेगा तभी तो वो सही होगा ना, ये मेरा मानना है। तो मैं उनको मैक्रोनी खिलाऊंगी, और साथ ही साथ रूपा भी मेरे साथ आ रही है, हम सब मिलके खाना बना रहे हैं। मतलब मिलके नहीं, सिर्फ ये फास्ट फूड बना रहे हैं। देखो आ गई है पैकेट लेके पास्ते का, हाँ हो जाएगा। तो अब बनाते हैं जल्दी से पास्ता। तो मेरा मैक्रोनी बनना शुरू हो चुका है। तो ये प्याज हो रहे हैं, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे छोटी वाली मैक्रोनी डाल दी है, ये देखिए। और इस तरफ मैंने डाला है पास्ता, ये देखिए। पीहू तो अपनी आंटी से इतना ज्यादा प्यार करती, बोली आज मैं बनाऊंगी उनके लिए मैक्रोनी। यहाँ मेरे बेटा ये अभी से काम करने लग गई, आप अभी से काम करोगी? नहीं बेटा अभी से नहीं करना, आप तो हमारी परी हो, प्रिंसेस हो, प्रिंसेस काम नहीं करती, मम्मा से काम कराना आप, ठीक है? हाँ निशु के साथ से बन चुकी है मेरी मैक्रोनी, ये देखिए टेस्टी टेस्टी। अब डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में करूंगी। दी
यू हैव आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू इट्स अ मैक्रोनी फॉर यू टेस्टी टेस्टी मैक्रोनी थैंक यू वेलकम मैंने बनाई है निशु आंटी ने बनाई है बहुत मेहनत से ज्योति आंटी बेटा तो जान खिला रहे हैं पीहू को और इश्की भी देखो कितना प्यार कर ली है ना धीरे धीरे से कर लो धीरे धीरे से कर लो पीहू को धीरे धीरे से जुड़ा घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी इश्की नाराज हो गई नहीं बेटा वो आपकी छोटी बहन है ना नाराज नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स मोनिका दी को मैं देके आ गई हूँ मैक्रोनी और निशु को भी दे दी है और साथ ही साथ रूपा को भी दे दी है पर ना इश्की को तो हम मैक्रोनी नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा स्पाइसी भी है तो मैं सोची उसके लिए मैं चावल की रोटी बना देती हूँ जल्दी से तो चलिए तो फ्रेंड्स मेरी चावल की रोटी भी बन चुकी है इसे मैंने थोड़ा सा अंडा ऐड करा था तब जाके मुझसे बना बनना तो बनने से रहा था तो इश्की देख रही है कोको मेलन साथ ही साथ अपना चावल की रोटी भी खुद खा लियो ना ये देखो अपनी चावल की रोटी खा रही है ये सही है इंजॉय यहाँ भी देख लिया करो टीवी देखते करो मम्मा को पूछती भी नहीं हो गंदी बच्ची इश्की यहाँ कोशिश कर रही है मच्छरदानी को डालने की ये देखिए जा लाइट तो खोलो हे भगवान सेट ही नहीं हुआ है अभी इश्की सेट कर रही है चलो 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 लगा करो मच्छरदानी सही से लगाओ जल्दी से लगाओ उधर से सही से लगाओ बेटा हाँ इतना अच्छे से लगाती है ना इतनी कामदार लड़की हो गई ना अब बंजर ओ बंजर ओ बंजर प्यार से खाओ बेटा प्यार से खाती है वो प्यार से खाती हो खाना आ जाओ खिला दो उसको हेलो हेलो डर रही होगी ना अब हम इसको छोड़ देंगे बाहर बेटा वो डर रही है बता आपको इसको किसी करो किसी कर दो इसको यार इसकी तुमने इसको किसी भी किया ना चिमचिम है क्या टच करो इसको चिमचिम को देखो मम्मा किसी करी दूर क्या कर ले हो आ जाओ प्यार करना बेटा प्यार से तो हर कोई प्यार करने लग जाता है हाँ देखो कुछ कर ला ये कैसा कर रहे कि ये चिमचिम सुबह सुबह हमारे घर आया ना ये गुड मॉर्निंग बोलो इसको गुड मॉर्निंग इसको ठंडा लगा है ना इसको ठंडा लगा है मेरे मन से ना थैंक यू ये भी आपको किसी करेगा दिखा ये किसी करेगा आपको इधर आओ तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यार ये बिस्तर में क्यों लेटी हुई है तो ना आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है पता नहीं शायद मुझे फीवर भी हो रहा है और साथ ही साथ बॉडी पेन भी हो रहा है पर ना मैं अपने आप को जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश करूँगी क्योंकि जान की छुट्टी है नहीं और फिर ना इश्की कैसे रहेगी ना इसीलिए क्योंकि उसको तो उसके बीच में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कभी वो टॉयलेट कर देती कभी पॉटी कर देती है तो कभी उसे भूख लगती कभी पानी तो उसके लिए मुझे सही होना बहुत ज़रूरी है तो मैंने दवाई ले ली है कल रात भर तो बहुत तबीयत डाउन थी बट अभी जान है ना सुबह रोटी बना के गए थे वो मैंने खा ली है और साथ ही साथ मैंने दवाई भी ले ली है तो मैं अपने आप को जल्दी सही करने की कोशिश करूँगी मैं सोच रही हूँ एक माँ को तो कभी बीमार नहीं होना चाहिए यार और तो कुछ नहीं क्योंकि जब एक माँ बीमार होती है ना उसके बच्चे का बहुत बुरा हाल हो जाता है ये देखी नहीं देती यहाँ बच्चे का क्या है पूरे घर का ही बुरा हाल हो जाता है पर घर तो चलो चलता है पर बच्चे का नहीं होना चाहिए ना तो मैंने भी इसको ब्रेकफास्ट तो करा लिया है मैंने जो खाया उसने भी वही खा लिया था और दिन भी खाती थी नखरे कर दिया इसको पता था ना मम्मी की तबीयत डाउन है पता नहीं बच्चों के दिल इतना कैसे पचल जाता उनको खुद ही कहना मानने लग जाते हैं तो आज मेरा बहुत कहना भी मान रही है तो देखते हैं अब तो मैं रेस्ट करती हूँ ओके फ्रेंड्स फिर मिलती है अगर सही हो गई तो पक्का मिलूँगी आप लोग को
ओके okay.